गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि सब अपने घर में अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 और अरविंद और आयरा दोनों गए हैं, जा चुके हैं। अरविंद अभी भी गए हैं और कबीर अभी सो रहा है। और ये देखो मेरा किचन का हाल। एक्चुअली अरविंद और आयरा का बनाया ब्रेकफास्ट और लंच, और अब बारी है मेरी अपना बनाने की और कबीर का बनाऊँगी। तो पहले तो करते हैं अपने घर का काम। और ये देखो मेरे घर का हाल, ये देखो कहाँ कहाँ वो बुक्स वगैरह डाल कर रखती है। देखो डायरी, वैसे तो इसकी पुरानी डायरी है। तो चाय वगैरह हमारी होती है और चलो फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। कभी सोया हुआ है क्योंकि अगर कभी उठ गया तो आपको पता ही है कि वो काम करने देगा नहीं। तो गाइस अभी उठ गया कबीर और अभी बज रहे हैं 9, देख लो। और अभी उठ गया कबीर और अभी मेरा सारा काम पड़ा हुआ है। तो चलो करते हैं फटाफट से काम। उठते ही शरारत, देखो 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 वो छुपा के रख के गई है ना इसे। इसको पता लग गया, देखे ए देख। तो चलो गाइस करते हैं। देखो अभी मेरे यहाँ बर्तन पड़े हैं किचन। तो चलो गाइस फटाफट से कर लेते हैं काम। तो गाइस अभी बजे 9:10 और मेरा ये रूम तो साफ हो गया। अब चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ, वो करते हैं अपना क्लीन। तो देखो गाइस, रात में मैं कर रही थी कपड़े तय, मतलब कपड़े जोड़ रही थी और ये मेरे कपड़े रह गए। ये तो ऑल टाइम मैसी रहता रूम, पर चलो करते हैं इसको भी क्लीन। तो बजाएंगे चुटकी और हो जाएगा हमारा रूम क्लीन। तो गाइस इधर सो गया कबीर और अभी टाइम हो गया 12:15 और इधर बन रही है मेरी चाय, ताजी ताजी गरम गरम। और टाइम तो आपने देखा ही है ना, और मैं अभी तक नहाई नहीं। क्यों नहीं नहाई? क्योंकि लाइट चली गई, पानी गरम नहीं हुआ और ठंडे पानी से तो ठंड है। पहले नहा लेती थी पर अब नहीं नहाती हूँ तो ठंड लग रही है। पानी गरम है नहीं है तो अब वेट करना पड़ेगा जब तक पानी मेरी चाय हो गई है। देखो अब जब तक लाइट नहीं आती तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से 12 बज रहे हैं। तो मैंने कबीर को तो सुला दिया, फिलहाल मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय और प्लस करती हूँ अपनी एडिटिंग। एक काम तो कंप्लीट हो, कड़क चाय बनी, कड़क आज आप भी पी लो कड़क वाली चाय। देखो कलर, देखो कितना सेंटी आया। तो चलो गाइस फटाफट से कर लेते फिर मैं अपनी एडिटिंग। तो गाइस बज रहे हैं 12:30 और ये देखो पानी गर्म करने के लिए रखा है। तो 2:30 बज गया और मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। फिलहाल पानी गर्म आज सुबह से, सॉरी फिलहाल पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। आज सुबह से लाइट नहीं है, पपट हो गया आज। आज मैं नहाई ही नहीं। वैसे तो मैं सच बता रही हूँ गाइस, मतलब मेरी हैबिट ऐसे थी कि अगर पानी गर्म है भी या नहीं भी है ना तो मैं चाहे नॉर्मल जैसे मोटर चलाओ तो पानी आता है तो वो थोड़ा सा ना गर्म होता, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता। बट अगर वो भी नहीं आता था ना तो मैं टैंकी के पानी से नहा लेती हूँ, रात का भरा हुआ हो जैसे भी हो मैंने नहा लेना। बट अभी जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से मुझे खुद को डर लगता है क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतना कभी बीमार नहीं पड़ी हूँ जितना मैं करीब 1.5 महीने तक बीमार पड़ी हूँ। और
इस वजह से मैं नहा नहीं रही हूँ, बिकॉज ठंडे पानी से कहीं ऐसा ना हो कि मैं फिर बीमार पड़ जाऊँ और फिर मुझे प्रॉब्लम हो। तो मतलब एक टाइम वो था कि मैं परवाह नहीं करती थी ठंडे पानी से, नहाना है तो नहाना ही है, थोड़ी देर क्या दो, वैसे तो देखा जाए ना 5 मिनट की ठंड लगती है, उसके बाद तो नहा लो तो काम हो जाता है। तो फिर भी और काफ़ी देर से सोच मैंने कहा चलो लाइट आ जाए, वेट करते करते 2:30 बज गए, उधर से कभी सो गया था तो मैं वैसे ही नहीं कुछ कर पा रही थी। तो मैंने कहा चलो अबायरा आने वाली है तो तब तक मैं नहा लूँगी, तो कभी रुक जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो चलो अब पानी गर्म करने के लिए रखा तो नहाते हैं। गाइस बज रहे हैं 4:05 है और मैं जा रही हूँ हैना का ट्यूशन छोड़ने, तो चलो उसको छोड़ के आते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस आज तो पोपट हो गया, आज तो लाइट ही नहीं आई और देखो 4:30 भी हो गए, अभी तक लाइट नहीं आई। तो क्या किया जाए, क्योंकि अब तो मैं ना अभी 3 बजे मैं ना आई हूँ आज। तो चलो फिलहाल मैं अभी आयरा को छोड़ के आई हूँ, तो कबीर को देते पहले दूध और चाय बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ पता नहीं, मन कर आज चलो देखते हैं और फिर करते हैं अपने डिनर की तैयारी। तो गाइस देखो टाइम और अब जाके लाइट आई है। तो गाइस आज मेरा चाय पीने का दिल नहीं कर रहा तो मैं बनाने जा रही हूँ मैगी, और बिल्कुल गाइस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही, ये इससे पहले मैंने कभी ये वाली ट्राई नहीं की। एक्चुअली सच बताऊं पहले बहुत अच्छी लगती थी मैगी, करीब 2 साल पहले बहुत अच्छी लगती थी, बट कहते हैं ना टाइम रहते आपका टेस्ट बदल जाता है, तो बस मेरा भी टेस्ट बदल गया, मुझे नहीं अच्छी लगती है मैगी, सच में मुझे नहीं अच्छी लगती। बट आज जैसे कुछ भूख लग रही है एक तो, और ऊपर से कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो बनाना है अभी सब कुछ, कभी कुछ नहीं है। और ये मैं लेके आई थी डी मार्ट से, तो मैंने कहा सोचा ही था कि चलो फ्लेवर चेंज करेंगे कैसा है, तो लेट्स सी कैसा है। तो गाइस ये मेरी मैगी तैयार हो गई है और कुछ ऐसी दिख रही है, बट सही बताऊँ तो इसका जो फ्लेवर आ रहा है ना, मतलब जो टेस्ट में फ्लेवर स्मेल में जो फ्लेवर आ रहा है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चिंग्स चाइनीज वाले हम सूप नहीं पीते, उस हिसाब से टेस्ट आ रहा है। तो चलो अब ये भी रो रहा है, देखते गाइज अभी बजे हैं 7 और अरविंद आधे रास्ते तक आ गए थे और फिर वापस बैंक गए, उनका पता नहीं कोई सिस्टम चालू रह गया, ऑन रह गया वो बंद कर गए। तो अब चलते हैं, मैं जा रही हूँ आयरा को लेने के लिए और कबीर हो रहा है, तो चलते हैं फटाफट आयरा को लेके आते हैं। तो गाइज अभी बजे 7:45 और बच्चों को ये बना के दिए पापड़, दोनों लगे हुए आई लव यू सब्सक्राइबर्स तो सब्सक्राइबर्स को भी टेस्ट करा देते हैं लोग, खाली बस। तो गाइस मैं लेके आई हूँ सोया चाप, आज तो बनाएंगे हम सोया चाप, तो बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो गाइज़ आज की रेसिपी है सोया चाप, मलाई सोया चाप, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 तेज़पत्ता डाली है और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और 1 छोटी सी काली मिर्च और 1 इलायची, मोटी इलायची के दाने निकाल के मैंने उसमें डाले हैं, साथ में इसमें थोड़ा जीरा ऐड कर लिया। अब इसको भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और थोड़ी सी हल्दी 1/2 टीस्पून के करीब, और इनको डाल के हम अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रहे कि आपका जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए और
जो तेल का टेम्परेचर है वो भी थोड़ा लो होना चाहिए। और भूनने के बाद हम जैसे इसमें भून जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे चाहो तो आप मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हो, चाहो तो चॉपर में कर सकते हो, दोनों ही अपनी जगह फ्लेवर अच्छा देते हैं। तो बस उनको अच्छे से भून लेंगे जब तक उसका जो अपना तेल ना छोड़ने लगे, अच्छे से भूनने तक हम इसको भून लेंगे। तो गाइस जब तक हमारा मसाला भून रहा है तब तक हम अपनी जो सोया चाप है उसको तैयार कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने वो फ्रोज़न सोया चाप थी जिसको मैंने बॉईल कर लिया, बॉईल करने के बाद बॉईल नहीं किया तो गर्म पानी में डिप करके रख दिया था और देख लो कितनी सॉफ्ट हो गई हैं और ईज़िली जो उसकी स्टिक है वो निकल रही है बाहर। तो हम सारी सोया चाप से स्टिक्स जो है वो बाहर निकाल देंगे और इन्हें कट कर लेंगे। कट आप अपनी मर्जी से कट कर छोटे बड़े पीसेस जैसा आपको अच्छे लगते हैं आप उस हिसाब से कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही किया है और मेरे को एक्चुअली छोटे छोटे पीसेस सही लगते हैं बच्चों के हिसाब से, तो मैं उस हिसाब से उसको बीच में से कट करके कर रही हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो जैसे भी कर सकते हो। और साथ साथ में हम अपना तड़का भी देखते रहेंगे कि वो जल ना जाए, उसको भी हिलाते रहेंगे। और एक और पैन मैंने गैस पे चढ़ा लिया जिसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऐड की है, आप चाहो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो उसके साथ ही हम उसमें भून लेंगे इन सारे जो हमारी जो चाप्स हैं, हम उनको ना शेलो फ्राई कर लेंगे। हमें डीप फ्राई नहीं करना, हमें उसे शेलो फ्राई करना है, सिर्फ उसका जो कलर चेंज है वो आ जाए और हमारी जो चाप है वो रेडी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ कर लिए गैस चेंज, उसको दूसरी साइड कर दिया और इसको इस साइड कर दिया है। तो देखो शेलो फ्राई हमारी जो चाप्स है वो शेलो फ्राई हो गई हैं। तो हम इसको निकाल लेंगे, इसका तेल हम अच्छे से निकाल लेंगे ताकि इसमें कोई ऑयल ना रह जाए। और इसलिए मैंने जो तड़के में वो बहुत कम ऑयल यूज़ किया है क्योंकि ऑलरेडी हम इसको शेलो फ्राई करते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें भी ऑयल रहता है। तो इसलिए इसको सारी जितनी चाप है हम उसको ऐसे ही शेलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मेरी जितनी चाप्स हैं वो सब फ्राई हो चुकी हैं, शेलो फ्राई ही करना था हमें और सब शेलो फ्राई हो चुकी है। तो हम जो तड़के वाला हमारा पैन है वो हम अपने गैस चेंज कर दिया है। तो चेंज करते ही साथ में हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। इसमें कुछ ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करनी है, इसमें जस्ट आपको हरी मिर्च, लाल मिर्च और गरम मसाला ऐड करना और साथ में कस्तूरी मेथी ऐड करके मिक्स कर देना। जैसे वो मिक्स हो जाएंगे तो साथ में इसमें ऐड कर देंगे हम अपनी मलाई, करीब 2 चम्मच के करीब आप अब बड़ा चम्मच 2 मलाई ऐड कर दीजिए, साथ में थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको अच्छे से बॉईल आने तक बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ मेरा बॉईल हो गया और साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया अपने जो फ्राई की हुई थी हमारी चाप वो ऐड कर दी और सबसे लास्ट में मैंने इसमें ऐड किया नमक। नमक ऐड करने के बाद ही हम इसको साथ में मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से। और आप चाहो तो थोड़ी अपनी ग्रेवी जो है वो बढ़ा सकते हैं, बट मुझे बिल्कुल ड्राई ड्राई चाहिए तो मैं उस हिसाब से बना रही हूँ। तो जैसे ही वो मिक्स हो जाते हैं साथ में ही हम उसमें अपना हरा धनिया डाल के और ये हमारी जो सोया चाप की रेसिपी है, सब्जी है, वो डन हो जाती है। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज अभी बजे 9 और ये मेरा डिनर है, आज की सब्जी और चपाती। आयरा खा रही है अपना लंच, कबीर खा चुका है, पापा बाहर हैं। तो गाइज डिनर कर लेते हैं फटाफट से अपना, और अभी तो 9 ही बजे हैं तो गेड़ी छेड़े पे जाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। तो एक तो बनता है, चक्कर मार के आए, फिर मिलूँगी आपसे। तो गाइज रात के बज रहे हैं 10 और एक पंगा पड़ गया। कल आयरा का कंपटीशन है तो वो सेंटा क्लॉज बनाई थी और पता लगा कि उसके कलर ही गुम हो गए हैं। तो इस टाइम तो कोई दुकान खुली नहीं होगी, तो पर फिर भी एक बार ही देख के आते हैं, शायद कहीं से कुछ तो मिल गए क्योंकि कलर अवेलेबल ही नहीं है। तो चलते हैं और इसके कलर लेके आते हैं। सारे कलर गुम कर दिए बेवकूफ ने। तो गाइस अरविंद वो सामने दुकान पे गए हैं कलर बता करने, सारी शॉप्स बंद है टोटली। ओ देखो गए हैं। आयरा इसको पकड़ो बेटा। ओके मम्मा। तो देखते अब यहाँ से मिलते हैं कि नहीं। सारी मार्केट बंद है टोटली।
मैं भगवान की दुआ कर रही हूँ। पूरा बाजार बंद है, 10 बज गए हैं। नहीं चलो अब यहाँ पे भी नहीं मिलेगा इस। अब तो बाजार में कोई दुकान नहीं खुली होगी। तो गाइस फाइनली ये मिल गए और अभी बज रहे हैं, देख लो दिखाऊं टाइम। अरे वो 10:30 हो गए और ये शॉप खुली थी, देख लो। इन्होंने पता कितना लग गया। तो गाइस अभी बजने लगे हैं 11:15 और ये मैंने बनाया है और ये आयरा बना रही है। देखो अच्छा लग रहा है ना गाइस, कमेंट करके बताना। तो मैंने डाक डाक करा है, अब मैं क्या करूंगी, कॉटन है और ग्लू है, ये हमारे काम की चीजें हैं, पर मैं हमने मना करा हुआ है ये काम की चीजें नहीं है, तो फिर भी हम करेंगे। हम सुगर है कलर्स मिले और ये कलर से आपको दिखाए, ये इसके साथ शामर है, पर हम शाम नहीं करेंगे। ये देखो बीच में सेट करके रखा, पर ये वाले हम नहीं लेके जाएंगे। अभी मेरे पास ये है तो ये बनेंगे, ये जब ये स्केच है और मैं ये लेके जाऊंगी और ये कलर यहाँ। अब मैं करूंगी सारे पास ड्रॉ जो करें है ना, अब करूँ। तो गाइस इसका तो चलता रहेगा, तो फिलहाल मैं करती हूँ यहाँ इस वीडियो को एंड। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय गाइस, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।